नमस्कार दोस्तों, मलेथा के भंडारी एपिसोड 3 में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, इस एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो लोग कथा है भालू सिंह भंडारी जी की, जिसे सिंबल जी आपको बता रहे हैं, कृपया इसमें उनकी किसी भी बात को अन्यथा ना लें। हमारा मकसद किसी भी तरह की अंधविश्वास या किसी दूसरी भ्रांति को प्रचलित करना नहीं है, उसको फैलाना नहीं है। हमारा मकसद तो सिर्फ अपनी पहाड़ी संस्कृति को लोक कथाओं या किसी अन्य माध्यम के द्वारा जनता तक, आने वाली पीढ़ी तक पहुँचाना है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं मलेथा का भंडारी एपिसोड 3। रात्रि के समय माधव सिंह जी को स्वप्न आया, क्योंकि माधव सिंह देवी देवताओं के बड़े उपासक थे। उनके इष्ट कुल देवता कैलावीर देवता, गुरु माणिकनाथ भगवान, देवी राजराजेश्वरी, घंटाकर्ण घंड्याल और पांचवें क्षेत्रपाल उनके भूमिया थे। देवी देवताओं के बड़े उपासना हुए किया करते थे। उन्होंने रात को सोते समय अपनी इष्ट देवी माँ भगवती राजराजेश्वरी को सुमिरन किया था कि हे माता मलेथा, में अगर पानी नहीं जाता है तो मेरा तो जीवन ही बेकार हो जाएगा, मेरी ये इतनी बड़ी तपस्या बेकार चली जाएगी। रात्रि को माधव सिंह भंडारी जी जब सो रहे थे तो उनको स्वप्न आया और स्वप्न में भगवती राजराजेश्वरी उनके आई थी। उन्होंने कहा, माधव सिंह, जब किसी शुभ कार्य को आरम्भ किया जाता है तो पहले अपने इष्ट देवताओं का, देवियों का नाम लिया जाता है। वह तुमने नहीं किया, तुम मुझे भूल गए और मेरे ही दोष के कारण पानी तुम्हारी सुरंग में प्रवेश नहीं कर पा रहा है। माधव सिंह जी ने कहा, हे माँ, क्या हो सकता है? तो देवी ने कहा, रोज मारा उनके मुँह से निकला था। रोज मारा का अर्थ होता है कि जो तुम्हें बहुत प्रिय हो तो मारने के बजाय अपने पुत्र की का बलिदान देना ही उचित होगा। इसलिए माधव सिंह जी ने अपने पुत्र का बलिदान देने की ठान ली थी, पर पत्नी को कैसे मनाए, घर में गए, उदिना से सारी बात कह डाली। उदिना ने अपने स्वामी से कहा था कि स्वामी, आप तो विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, वीर हैं, आप ऐसा कीजिए कि माँ भगवती का वहाँ पर भंडारा करवा करके, पूजा यज्ञ आदि करवा करके भगवती को मना लीजिए ताकि मेरा बेटा बचा रह जाए। लेकिन माधव सिंह जी ने तो जो हट ठान ली थी कहा, देवी, अब तुमको भी अपना धर्म निभाना चाहिए। तुम क्षत्रिय हो, क्षत्राणी हो, और हमारा धर्म है प्रजा की रक्षा करना, प्रजा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना। इसलिए तुमको ये बलिदान अपने प्राणों से भी प्यारे वीर सिंह का बलिदान तो करना ही होगा, उसको बलि के लिए प्रस्तुत करो। देवी उदिना ने अपने हृदय को पत्थर बना लिया था। यद्यपि यहाँ पे कहा जाता है कि देवी उदिना ने माधव सिंह को उस समय साथ दे दिया था कि आज के बाद गढ़वाल में कोई भड़ पैदा नहीं होगा, भड़ की वजह से मेरी गोदी सोनी हो रही है, इसलिए मैं साफ देती हूँ कि आज के बाद गढ़वाल में कोई भड़ पैदा नहीं होगा, ऐसा साफ दे दिया था। और फिर अपने पुत्र को, वीर सिंह को, किसी तरह से तैयार करके, जैसे पशु को बलि देने से पहले सजाया जाता है, उसी प्रकार से वीर सिंह को प्रस्तुत उदिना ने करा था। स्वयं अपने हाथ से लेकर के छेंडाधार में गई, वहाँ पर गई तो वीर सिंह जी का बलिदान हुआ। जब वीर सिंह का बलिदान हुआ तो आगे आगे वीर सिंह के रक्त की धारा बह रही थी, पीछे से पानी की धारा भी चल पड़ी और वीर सिंह के धड़, नरमुंड, सिर और धड़ उस पानी में बहते बहते मलेथा की समतल धरती में आ गए। एक खेत में धड़ गया, एक खेत में सिर गया, जहाँ जहाँ वीर सिंह के अवशेष गए वो खेत पंचायती हो गए, देवताओं के नाम पर चढ़ा दिए गए। तो इस तरह से बलिदान हुआ, मलेथा में पानी आ गया और सब कुछ रस्म अदायगी हुई, जल विष्णु पूजन हुआ, फिर शेरों को सिंचित कर दिया गया, फिर शेरों में हरियाली आ गई, सब कुछ ठीक ठाक हो गया। माधव सिंह जी ने उदिना से कहा
कि मैं खेती का बंटवारा करना चाहता हूँ, तुमको जितना सेरा चाहिए, जितनी खेती चाहिए तुम ले लो, पुदीना के हिस्से में जो खेती गई वह जो बांट उसकी उसके नाम पे आई, वह बिरही बांट के नाम से विख्यात है, उसको बिरही बांट बोलते हैं, और बिरह की बांट थी। पुदीना ने उसको स्वीकार नहीं करा था। पुदीना ने कहा जो मेरे नाम की खेती है वह मैं सब देवी देवताओं को अर्पण कर देती हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में बता दिया था आपको कि हमारा मकसद किसी भी तरह की गलत भ्रांति या अंधविश्वास पैदा करना नहीं है। हमारा उद्देश्य मात्र इतना है कि हम अपनी संस्कृति, अपने इतिहास को अपनी आने वाली पीढ़ी तक पहुंचा सकें और उस पर अमल कर सकें। तो दोस्तों, यहाँ पर जो पहली धारणा ये थी जनश्रुति के आधार पर, जिसको माना जाता है, जिसको लोक कथाओं में गाया जाता है, सुनाया भी जाता है, इस पर फिल्में भी बनी हैं कुछ फिल्में भी बनी हैं जिसमें दिखाया गया है कि माधो सिंह भंडारी जी ने बहुत बड़ा बलिदान दिया अपने पुत्र को बलि देके, ताकि देवी खुश हो सके और गांव में पानी आ सके। लेकिन एक दूसरी धारणा भी है दोस्तों, जिसे हमारे कुछ इतिहासकार मित्रों ने, कुछ जो हमारे रिसर्चर हैं जिन्होंने उत्तराखंड के इतिहास पर काम किया है, उन्होंने अपनी खोज के दौरान इस धारणा को जन्म दिया। इस धारणा के अंतर्गत होता यह है कि जब माधो सिंह भंडारी जी निवेदन लेके गए थे लोगों के पास, नहर का, राजा के पास और मलिथा गांव वासियों के पास, तो उनकी इस दूरदर्शिता को ज़्यादातर लोग समझ नहीं सके, क्योंकि शायद ये संभव कार्य नहीं था उस ज़माने के हिसाब से। आज से लगभग 400-500 साल पहले कोई इतना उन्नत विज्ञान नहीं था उस समय कि कोई कह सके कि हम 2-3 किलोमीटर तक नहर खोदेंगे और एक सुरंग बनाएंगे और गांव को हरा भरा करेंगे। उस समय ऐसे कार्य होते थे, लेकिन ऐसे इलाकों में जो पिछड़े इलाके हैं, रिमोट एरियाज हैं जैसे, वहाँ संभव नहीं था, क्योंकि उतना किसी के पास तर्क नहीं था, उतना विज्ञान नहीं था। लेकिन माधो सिंह भंडारी जी जो सेनापति रहे महीपत शाह के, वो काफ़ी घूम चुके थे दुनिया, उनको काफ़ी नई नई चीज़ें भी देख चुके थे। हालांकि वो चीज़ें जानते थे कि ये ऐसी चीज़ हो सकती है, नहर बन सकती है, सुरंग बन सकती है। उन्होंने कई लोगों को समझाने की कोशिश करी, लेकिन कोई समझा नहीं, तो जिसके फलस्वरूप उन्होंने ये जो अपना फैसला था वो फिर भी नहीं बदला। हालांकि उनका पुत्र था गजय सिंह, वो पिता को कड़ी मेहनत करते हुए अकेला ही सुरंग बनाते हुए देखता था, तो उसने भी कई बार पिता से अपने बोला कि मैं आपका हाथ बटाना चाहता हूँ, लेकिन माधो सिंह ने हर बार उसे मना किया। लेकिन वो भी काफ़ी जिद्दी था, वो भी सहयोग करने में जुट गया, बिना पिता की अनुमति लिए वो भी सुरंग खोदने के उस कार्य में लग गया। तो इतिहासकारों के मुताबिक उस समय जब वो सुरंग खोद रहा था, माधो सिंह भंडारी और उनका बेटा गजय सिंह, तो एक बड़ा सा पत्थर लुढ़क कर आया और उसके गजय सिंह के ऊपर गिर गया, जिस कारण उनकी वहीं मृत्यु हो गई गजय सिंह की। फिर उसके बाद जाके शायद गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ होगा, उन्होंने देखा होगा, फिर इस कार्य में हाथ बढ़ाया उन्होंने, फिर जाके नहर का निर्माण पूरा हुआ। दोस्तों, ये धारणा आमतौर पर उतनी प्रचलित नहीं है, लेकिन इतिहास में इतिहासकार ऐसा ही मानते हैं। अब मैंने आपको इन तीनों एपिसोड के माध्यम से लगभग पूरी कहानी का सार बता दिया है कि कैसे करके माधो सिंह भंडारी ने अपनी महत्वाकांक्षी योजना को पूरा किया, किस तरह से अंजाम दिया। तो ये दो धारणाएं हैं मित्रों आपके पास। अब इस पर आप अपने तर्क के हिसाब से, अपनी बुद्धि के हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हुआ होगा और क्या नहीं, क्योंकि अब वो समय नहीं रहा दोस्तों कि हम सुनी सुनाई पुरानी बातों पर, जो अंधविश्वास हैं, इन पर भरोसा करें और ये
एक अच्छी बात भी नहीं है आने वाली पीढ़ी के लिए। हम कभी अपने हीरोज़ को, कभी अपने महानायकों को मतलब उस नज़र से याद करना नहीं चाहेंगे भविष्य में, जिससे उन पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा। तो मित्रों, मेरा निवेदन बस यही है कि अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी, ये लोक कथा अच्छी लगी, ये सीरीज डॉक्यूमेंट्री सीरीज अच्छी लगी, तो आप हमें कमेंट कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो अगर आपको लगे ये चीज़ शेयर करने वाली तो अपने अन्य मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।